जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव पर शुक्रवार को सिंधे की छावनी स्थित श्री 1008 मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में धार्मिक क्रियाओं के साथ बड़े उत्सव व श्रद्धापूर्वक निर्माण लाड़ू चढ़ाया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि भगवान मुनि सुब्रतनाथ के मोक्ष कल्याणक पर वेदानाचार्य अनुभव जैन ने मंत्रोच्चारण के साथ इंद्रों ने पीले वस्त्र धारण कर भगवान मुनि सुब्रतनाथ का भक्तिभाव के साथ अभिषेक जयकारों के साथ किया, जबकि शांति धारा निर्मल पाटनी एवं प्रमोद जैन परिवार के द्वारा की गई। जैन समाज के 15 परिवारों ने 15 चांदी के छत्र भगवान जैनेन्द्र पर चढ़ाए। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील गोदा, कोषाध्यक्ष निर्मल पाटनी, प्रमोद जैन, मायाराम जैन, पन्ना जैन, संजय जैन, प्रवीण सोनू जैन, मनोज जैन, सुनीता गोदा, मंजू पाटनी, सुषमा जैन सहित मुनि सुब्रतनाथ महिला मंडल विशेष रूप से मौजूद रहा। मुनि सुब्रतनाथ जैन मंदिर में जैन समाज के समाजजनों ने भगवान मुनि सुब्रतनाथ का संगीत में भक्ति के साथ निर्माण कांड पढ़ते हुए मोक्ष के प्रतीक स्वरूप 21 किलो का निर्माण लाड़ू बहुत ही उत्साह के साथ सामूहिक रूप से चढ़ाकर जयकारों से मंदिर कूज उठा। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन ने बताया कि मुनि सुब्रतनाथ महामंडल विधान में विधानाचार्य अनुभव जैन के मार्गदर्शन में इंद्राणियों ने पीले वस्त्र धारण कर सिर पर मुकुट माला पहने हुए भक्तिभाव के साथ अष्टद्रव्य से पूजा अर्चना कर भगवान मुनि सुब्रतनाथ की आराधना करते हुए सामूहिक रूप से महाअर्घ मढ़ने पर समर्पित किए। खबर हरपल के लिए सचिन जैन की खबर। केवल ज्ञान बुद्धि मिलता है, केवल ज्ञान बुद्धि मिलता है। दीपों में स्थापन करो श्री स्वाहा।